गुड मॉर्निंग। हम पढ़ाई शुरू करते हैं, कक्षा 10वीं का पढ़ रहे हैं हम हिंदी। क्षितिज भाग 2 का पाठ 11, बाल गोविंद भगत। इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाठ का सारांश और कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर। अब हम इसके आगे के प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। किसके गायन गाते थे? कबीर पंथी गायन गाते थे और सिर पर कबीर पंथी टोपी भी पहनते थे। उत्तर है कि बाल गोविंद भगत सुमधुर कंठ से इस तरह गाते थे कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव और जीवंत हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे। इतना मन प्रसन्न हो जाता था कि बच्चे झूमते थे, स्त्रियों के होंठ भी गुनगुनाने लगते थे और काम करने वालों के कदम लय और ताल के साथ उठने लगते थे। इसके अलावा भादों की अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग सजग हो जाते हैं। फिर प्रश्न कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, पाठ के आधार पर उनका उल्लेख कीजिए। आपको पाठ का सार समझाया था और प्रश्नों के उत्तर उसमें क्या था कि उनके पुत्र का निधन हो जाता है, है ना। ये मार्मिक जो यहाँ पे हुआ है कि मार्मिक प्रसंग तो ये उसी से संबंधित है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे और मार्मिक प्रसंग इस प्रकार है कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर न शोक मनाया और न ही उसके क्रिया कर्म को ज्यादा माना, क्योंकि उनका मानना था भगत जी का कि मृत्यु तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये शोक और मातम नहीं है, यह तो एक उत्सव है क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। फिर दूसरा, उन्होंने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपनी बहू से मुखाग्नि दिलवाई। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाए और इसका दोबारा से इसका विवाह करा। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों की भिक्षा मांगने का विरोध करते हुए 30 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते और उपवास रखते हुए पूरी यात्रा पूरी करते थे। अब है प्रश्न कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार झंझट कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है कि असार महीने की रिमझिम के बीच जब सारा गांव खेती कर रहा है उस समय क्या है, शीतल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आसमान बादलों से आच्छादित है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, बच्चे पानी भरे खेत में खेल रहे हैं और औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। इसी समय भगत का कंठ फूट पड़ता है, वह गाने गाने लगते हैं। उनके स्वरों की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर देती है। इसे सुनकर बच्चे भी नाचने गाने और झूमने लगते हैं, स्त्रियां भी गाना गुनगुनाने लगती हैं और गीत लय ताल पर उंगलियां अपनी रोपाई करने का काम करने लगती हैं और कदम भी रखने लगते हैं। अब है प्रश्न 9वां, जो रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित है। तो पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई? तो उत्तर है बाल गोविंद भगत का पहनावा और आचरण तो कबीर पंथियों जैसा था और वे कबीर साहब को मानते थे और कबीर में ही उनकी असीम श्रद्धा और विश्वास था। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई। उनका पहनावा कबीर पंथियों जैसा था, उनके गले में तुलसी की माला,
माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे। वे अपने खेत की सारी उपज कबीर पंथी मठ में ले जाकर चढ़ावे के रूप में दे देते थे और फिर उस मठ से जो भी कुछ प्रसाद रूप में मिलता उसी से वे घर चलाते। वे कबीर के समान खरा खरा व्यवहार करते और दूसरों की वस्तु को नहीं छीते थे, अस्पर्श मतलब की छूनी। उन्होंने कबीर के पदों का गायन करते हुए दिन बिताया। उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर मृत्यु को दोनों के मिलन का शुभ अवसर बताया। उन्होंने कबीर की भांति जीवन को नश्वर बताया। अब है प्रश्न कि आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या रहे होंगे, उत्तर दीजिए। तो पहला है उत्तर कि कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर बाहरी बवंडरों और से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों का प्रहार करने वाले थे, यह भगत को पसंद आया। फिर कबीर दास का सादा जीवन उच्च विचार भी भगत को पसंद आया होगा और भगत को कबीर का खरा खरा व्यवहार करना बहुत पसंद आया होगा। फिर प्रश्न 11 कि गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश असार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो भारत गांव का देश है और यहाँ की लगभग 80% जो जनसंख्या है वह अपना जीवन निर्वाह करती है कृषि पर। तो भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है और मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से ही शुरू हो जाती है। कब हो जाती है मानसून की शुरुआत? आषाढ़ से। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं और बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं, जैसे कि खेतों की जुताई, बुवाई, धान की रोपाई जैसे अन्य कार्य को शुरू किया जाता है। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंददायी होता है। पानी से भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। अब है प्रश्न की ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप अपने आधारों पर यह सुनिश्चित करें कि क्या बाल गोविंद भगत साधु थे। उत्तर है कि साधु प्रायः गेरुए वस्त्रों में या रामानामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। उनके दाढ़ी बड़ी रहती है, बाल जटा जूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं। पर यह आवश्यक नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु हो। इस कलयुग में धोमियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है, इसलिए पहनावे के आधार पर किसी को भी साधु नहीं समझा जा सकता और वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर ना करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। आडंबरहीन जीवन, सद्व्यवहार, सत्यवादिता, परोपकार की भावना और पहनावे की सादगी, विचारों की महानता और उच्चता देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं आगे का प्रश्न कि प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? निसंदेह सत्य है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। इसे भगत के जीवन में दो घटनाओं के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। पहला कि लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोते हैं, यह उनका मोह है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता तो उसके परिजन क्या करते हैं? रोते हैं। क्यों रोते हैं? यह मोह है। परंतु भगत अपने बेटे से प्रेम करते थे, वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे, पर उसकी मृत्यु पर आत्मा और परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे में अकेला होने पर बहू को उसके भाई के साथ भेज देते हैं। अपने बुढ़ापे से हम मोह नहीं दिखाते पर
भाई को उस पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं कि वे बहू को ले जा और उसका विवाह कर दो। फिर ये बाल गोविंद भगत के गृहस्थ साधु क्यों मानते हैं इस आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत घर परिवार वाले आदमी थे। उनके परिवार में उनका बेटा पतोहु, उनके पास खेती बाड़ी और साफ सुथरा मकान था। इसके बाद भी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह रहते और साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरते थे। इसलिए लेखक ने भगत को साधु गृहस्थ साधु माना। फिर भगत अपनी सब चीज साहब भी मानते थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बाल गोविंद भगत अपनी सब चीज साहब मतलब यहाँ किसको बोला कभी, इसका उदाहरण है कि उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे सिर पर लादकर साहब के दरबार में ले जाते। उस दरबार अर्थात मठ में, कबीर मठ में उसे भेंट स्वरूप रख दिया जाता और उन्हें जो कुछ उसके उपरांत मिलता, प्रसाद रूप में मिलता, उसी से वे अपना गुजारा करते। फिर है प्रश्न कि बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु मानता है, वह भगत के किस अन्य गुण पर मुग्ध था और क्यों? तो लेखक भगत को गृहस्थ साधु मानता था क्यों? वह भगत के मधुर गायन पर मुग्ध था और कोई भी यह सुन सकता था कि वे कबीर के सीधे सादे पद गाते थे, पर उनके कंठ से लय तालबद्ध होकर जब निकलते थे तो वह कबीर के पद भी सजीव हो जाते थे। फिर प्रश्न की बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? उत्तर है, बाल गोविंद भगत का संगीत हर आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से असर करता है। उनका स्वर अचानक एक मधुर तरंग झंझट सी होती है। उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे झूमते हैं और मेड़ पर खड़ी औरतों की ओर गुनगुनाने लगते हैं। हर माहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपिनी करने वालों की उंगलियां भी क्रम से चलने लगती हैं। फिर ये भगत प्रभातियां किस महीने में गाया करते थे और उनकी प्रभाती का वर्णन कीजिए। तो भगत प्रभातियां कार्तिक मास के फाल्गुन तक गाया करते थे। इस महीने में वे कड़ाके की सर्दी में तड़के ही उठ जाते थे और नदी में स्नान को जाते और लौटते समय पोखर के मिलने पर चटाई बिछाकर पूरब की ओर मुख करके प्रभातियां गाना शुरू कर देते थे। गाते गाते इतने सुरूर और उत्तेजना से भर जाते थे कि श्रम बिंदु छलक जाते थे। श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदे भी छलक जाती थी। क्यों? क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो ऊपर बैठकर गाते थे। फिर है कि भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस प्रकार ओतप्रोत हो उठा था। गर्मियों में भगत और उनकी प्रेम मंडली आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते। वहां पुंजड़ियों और करतालों की भरमार होती। बाल गोविंद एक पद गाते प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे स्वर एक निश्चित लय ताल और गति से ऊंचा होने लगता और नाचते गाते भगत भी क्या करते थे, गाते गाते नाचने लगते थे। इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। फिर भगत अपने सुस्त और बोधे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? इसका उत्तर है कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा बहुत सुस्त और आलसी और बोधा था। भगत का मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा निगरानी रखते हुए प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। इस कारण भगत अपने उस बेटे को अधिक प्यार करते थे। फिर यदि पुत्र की मृत्यु के अवसर पर पतोहु को परंपरा से हटकर कौन सा कार्य करने को कह रहे थे और क्यों? तो पुत्र की मृत्यु के अवसर पर भगत तलीनता से गाए जा रहे थे और उनकी पतोहु विलाप कर रही थी। इसी समय भगत अपनी पतोहु से दोनों के बदले उत्सव मनाने को कहते। भगत इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु तो खुशी का अवसर है और इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। फिर प्रश्न
कृष्ण की भगत की किस दलील के आगे उनकी पतोहू की एक ना चली। पतोहू मतलब पुत्र की बहू, बहू पुत्र की पत्नी। पतोहू मतलब पुत्र की पत्नी, ठीक है। भगत ने अपने बेटे की शादी की अवधि खत्म होते ही अपनी पतोहू के भाई को बुलाया और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत की पतोहू उनके बुढ़ापे का ध्यान में रखकर उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भगत ने कहा कि यदि तू नहीं गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और इसके आगे बहू की एक ना। फिर भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, कैसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर जी, जिस तरह की टेक और नेम व्रत वाली भगत की दिनचर्या थी उसी प्रकार उनकी मृत्यु हुई। वे अपने गायन के माध्यम से अपने साहब कबीर साहब की निकटता पानी चाहते। ऐसा उन्होंने मृत्यु से पूर्व सायंकाल तक गीत गाकर किया। इसके अलावा वे जीवन में दोनों समय स्नान ध्यान करते, इसे उन्होंने आवरण किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। फिर एक बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए दो कार्य किए। पहला, उन्होंने अपने पुत्र की पतोहू मतलब पुत्र की पत्नी से मुखाग्नि दिलवाकर महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया। अपने पुत्र की मृत्यु से पतोहू के भाई को बुलाकर यह कहा कि इसकी दूसरी शादी करा दे। इस प्रकार विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहा। फिर है कि बाल गोविंद भगत अपने साधु और गृहस्थ होने का स्वाभिमान कैसे बनाए रखते थे, उनकी गंगा स्नान यात्रा के आलोक में स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष अपने घर से 30 कोस दूर गंगा स्नान को जाते। इस यात्रा में 4-5 दिन लग जाते थे और भगत इतने स्वाभिमानी थे कि पैदल आते जाते थे, किसी का सहारा न लेते। वे मानते थे कि साधु को संभल लेने का हक है। इसी प्रकार वे रास्ते में उपवास करते थे। वह उपवास कर लेते पर किसी से मांगकर न खाते, क्योंकि वे कहते थे कि गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इस प्रकार उन्होंने साधु और गृहस्थ होने के स्वाभिमान को बनाए रखा। बच्चों, ये आज पाठ 11 बाल गोविंद भगत के सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इनको कॉपियों में अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। तो आप इनको कॉपियों में लिखिए और याद करिए।